गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुशीला शर्मा फ्रॉम सेंट मैरिज पब्लिक स्कूल। आज मैं क्लास 5 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि मैंने कल भी पढ़ाया था और आज इसी का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ, वो जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बच्चों, आप सभी जानते हो कि फार्मर्स सीड्स फील्ड में बोता है और गार्डनर्स अनेक प्रकार के पॉट्स में और गार्डन्स में, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने आप ग्रो होते हैं। कौन करता है उनको ग्रो, है ना? ये आश्चर्यजनक बात, कैसे वो ग्रो हो जाता है? ये जो है करता है नेचर। तो आप सभी जानते हो कि पौधों में सीड्स होते हैं, सबको पता है कि पौधों में सीड्स होते हैं। कोई भी फल आप लोग खाते हो, आप लोग देखते हो कि उसमें सीड्स आपको मिलते हैं, फल आप लोग खा लेते हो बट सीड्स फेंक देते हो। तो पौधों में सीड्स होते हैं, अगर वे सारे सीड्स अपने पेरेंट प्लांट के पास ही ग्रो हो जाए, गिर जाए, तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो उनको ग्रो करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या किया जाता है, उनको फैलाया जाता है ताकि उसको सही कंडीशन मिल सके ग्रो करने के लिए। अब है, आप लोग कहोगे कि कैसे उसको फैलाया जाता है, कौन फैलाता है? तो प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, तो नेचर में कुछ एजेंट होते हैं जो इन सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, या कहिए फैलाते हैं या छितराते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि सीड डिस्पर्सल क्या है। तो सीड डिस्पर्सल वह प्रोसेस है जिसमें सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाकर फैलता है या छितराता है, यानी कि वो अपने पेरेंट प्लांट के पास ही ग्रो नहीं करता है। अगर ऐसा करेगा तो उसको पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाएगा और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जनरली आप लोग ही सोचो, अगर आप लोग अपने घर में एक कमरे में चार लोग रह सकते हो, रहते हो, और बाहर से आपके कई रिश्तेदार आ जाए, मान लो 10 रिश्तेदार आ जाए, और उनको भी अगर उसी कमरे में रहना पड़े तो क्या होगा? क्या उनको सोने के लिए या बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाएगा? नहीं। ठीक, यहाँ पेड़ पौधे का भी वही कंडीशन है। तो ये जो नेचर में कुछ एजेंट है जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाते हैं ताकि उनको सही कंडीशन ग्रो करने के लिए मिल सके। अब ये कौन है ये एजेंट, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो इन सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। सबसे पहले है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। कुछ सीड्स बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, उनके चारों तरफ विंग्स या हेयर्स होते हैं। ये जो उनका स्ट्रक्चर है, ये उनको हेल्प करता है हवा के साथ बहने में, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिरते हैं, फैलते हैं या छितराते हैं। दूसरा है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। वे प्लांट जो पानी में या पानी के पास ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी स्पॉन्जी होते हैं, आसानी से पानी में बह पाते हैं, और पानी की धारा के साथ क्या होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, फिर वहां जाकर वो ग्रो करते हैं। तीसरा है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनके सीड्स जो होते हैं वो उनमें वो होते हैं स्टिकी हेयर्स होता है, उनमें चिपकने वाले। तो जब कोई एनिमल्स वहां से गुजरता है तो वो सीड जो है स्टिकी होने के कारण, यानी कि चिपकने का गुण होने के कारण उसमें वो उस एनिमल्स में चिपक जाता है, फिर वो एनिमल जहां जाता है वो सीड्स उसके साथ ही चला जाता है, यानी कि एक स्थान से अपने पेरेंट प्लांट से वो सीड दूर जाकर गिरता है। अब है कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फल खाते हैं, गुदेदार फल खाते हैं, और फल खाकर क्या करते हैं, वो उनका जो बीज होता है वो अपने चोंच से गिरा देते हैं,
यानी कि वो ये जो सीड्स है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर चला जाता है, फिर वहाँ जहाँ पर वो गिरता है वहाँ ग्रो करता है। जैसे जनरली आप लोग देखते हो कि हम लोग भी फल खाते हैं, कई प्रकार के फल हम लोग खाते हैं, जैसे सेब हो गया, जामुन है आपका, अनेक प्रकार के फल हैं, तो तरबूज है, तो ये सब क्या करते हैं, क्या करते हो अगर आप तरबूज खाते हो तो क्या करते हो, क्या आप सीड्स भी खा लेते हो? नहीं, हम उसका गुदेदार भाग खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन उन सीड्स को क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। फेंकने से क्या होता है, जहाँ फेंकते हैं वो वहाँ ग्रो कर जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो इस प्रकार वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाकर फैलते हैं। अब है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो फैलते हैं यानी छितराते हैं सीड पॉट्स के एक्सप्लोजन के कारण। यानी कि आप लोगों ने मटर देखा होगा, मटर के जो दाने होते हैं वो एक आवरण में बंद होते हैं, जब हम उस आवरण को खोलते हैं तब हमें मटर के दाने प्राप्त होते हैं। तो ये जो आवरण है उसको कहा जाता है पॉट्स। तो ये जो पॉट्स है सूखने के कारण क्या होता है, ये फट जाते हैं, और फटते ही इनका जो सीड्स होता है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिरता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि नेचर में कई एजेंट्स हैं जो सीड्स को अपने पेरेंट प्लांट से दूर फैलाता है या छितराता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।